बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम जी। आज के इस लेक्चर के अंदर जो चीज़ हम देखने वाले हैं वो आर स्टूडियो के ऊपर हम थोड़ा सा और ज़्यादा गुफ्तगू करेंगे। और आज के इस लेक्चर में जिस चीज़ पे हम गुफ्तगू मेनली करने वाले हैं वो वेरिएबल्स, ऑब्जेक्ट्स, डेटा की स्ट्रक्चर्स कैसी होती हैं आर के अंदर जो यूज़ होती हैं, एंड सम अदर थिंग्स। जो स्टार्टिंग में हम चीज़ देखेंगे वो आर के अंदर कौन कौन से वेरिएबल्स और डेटा स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। स्क्रीन आपके सामने मैं भी लेके आता हूँ, एंड देन यू विल सी कि हम किस तरीके से जो स्ट्रक्चर है डिफरेंट डेटा की वो देखते हैं। यूजली डेटा की टाइप्स जो हैं, अगर आप उनको पढ़ना चाहें तो डेटा की मल्टीपल टाइप्स होती हैं। जैसे आपको मैंने पहले भी पढ़ाया था, न्यूमेरिकल है, कैटेगोरिकल टाइप होती है, फिर आपके पास बाइनरी डेटा की टाइप होती है, फिर सम अदर टाइप्स भी होती हैं। सो इसी डेटा की टाइप को मैंने अपनी बुक जो है एबीसी ऑफ स्टैटिस्टिक्स, इसके बारे में मैं बेतहाशा दफ़ा बारहा दफ़ा जिक्र कर चुका हूँ। यहाँ पे अगर आप जाएंगे मेजरमेंट के अंदर जाने के बाद चैप्टर नंबर, यहाँ पे अगर आप डेटा टाइप्स एंड टाइप्स ऑफ डेटा के ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे आपके पास ऑल टाइप्स ऑफ डेटा यहाँ पे आ जाएगा। सो जब भी कभी किसी को भी डेटा के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी हो कि डेटा कितनी किस्म का है, तो ये लिंक जो है ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। चैप्टर का नाम है 3.7.2 ऑल टाइप्स ऑफ डेटा, ये सब हेडिंग है। और यहाँ पे अगर आप गौर करें, प्राइमरी डेटा की बात की गई। प्राइमरी डेटा होता है ऐसा डेटा जो आपने करेक्ट डायरेक्टली कलेक्ट किया और आप उस पर काम कर रहे हो। सेकेंडरी डेटा होता है किसी का डेटा जो किसी ने कलेक्ट किया, जैसे कि गूगल का डेटा हो गया, केगल पे जितने डेटा सेट्स होते हैं, या कोई प्रैक्टिस के लिए डेटा सेट जो आपको प्रोवाइड किया जाता है। फिर उसके बाद है क्वांटिटेटिव डेटा। क्वांटिटेटिव डेटा होता है ऐसा न्यूमेरिकल डेटा जिसके अंदर नंबर्स आए, बड़ी आसानी के साथ नंबर्स आ जाए, जिसमें जो काउंट किया जा सके, जो मेजर किया जा सके। अब ये नंबर्स काउंटिंग वाले नंबर्स नहीं है, दिस इज डिफरेंट, दिस आर क्वांटिटीज। न्यूमेरिकल डेटा दैट कैन बी मेजर्ड, यानी कि हाइट मेजर हो सकती है प्लांट की, जो है वो आप हाइट और विड्थ वगैरह प्लांट्स के लीव को जो है वो मेजर कर सकते हैं, जो चीज़ मेजर की जा सके, लाइक एज, टेम्परेचर, सेल्स फिगर्स। क्वालिटेटिव डेटा ऐसा होता है जो डिस्क्रिप्टिव डेटा होता है, विच इज ऑब्जर्व्ड नॉट मेजर्ड। ऑब्जर्व क्या होता है? मेजरमेंट होती है किसी एक फीता लेके मापना या किसी एक स्केल पे किसी चीज़ को मेजर करना। जो क्वालिटेटिव डेटा होता है आप ऑब्जर्व करते हैं। फॉर एग्जांपल, ये मैंने ग्लासेस जो लगाए हैं, ये इनका जो शीशा है वो ट्रांसपेरेंट है कि ब्लैक है, ठीक है, राइट। बालों का कलर मेरा ब्लैक है या मैं ब्लॉन्ड हूँ, विच इज़ टोटली इम्पॉसिबल कि ब्लॉन्ड हूँ मैं, लेकिन ब्लैक कलर है या नहीं, दाढ़ी है या नहीं। सो ऑब्जर्वेशंस, दीज आर नॉट मेजरमेंट्स बट दीज आर ऑब्जर्वेशंस, इसको हम बोलते हैं क्वांटिटेटिव डेटा। क्वालिटेटिव डेटा, सॉरी नॉट क्वांटिटेटिव डेटा, क्वांटिटेटिव डेटा वॉज विच वी कैन मेजर। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरी आई साइट की ये ग्लासेज हों तो कितनी आई साइट वीक है, दैट मेजरमेंट इज क्वांटिटेटिव, लेकिन ये ग्लासेज किस कलर के हैं, दैट इज कॉल्ड क्वालिटेटिव, ठीक है। फिर उसके बाद डिस्क्रीट डेटा होता है। डिस्क्रीट डेटा क्वांटिटेटिव डेटा की टाइप है जिसके अंदर आपके पास स्पेसिफिक काउंटेबल वैल्यूज होती हैं, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 15, इसके अंदर डेसिमल प्लेसेज नहीं होती, ठीक है, डेसिमल प्लेसेस नहीं होती इसके अंदर। कंटीन्यूअस डेटा के अंदर आपका ऐसा डेटा होता है, न्यूमेरिकल डेटा, दैट कैन टेक एनी वैल्यू विद इन अ रेंज, एनी वैल्यू। अगर हम इसकी बात करेंगे तो 1 से 5 तक का मतलब है 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। अगर हम कंटीन्यूअस डेटा की बात करेंगे, इसका मतलब है 1 से लेकर 5 तक एनी वैल्यू। 1, 2, 3, 4, 5 भी है इसके अंदर, 1.1 भी है, 1.5 भी है, 1.3 भी है, 1.325 भी है, 1.3256 भी है। सो आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं इसके अंदर। देन यू हैव कैटेगोरिकल डेटा। कैटेगोरिकल डेटा ऐसा होता है जो डेटा कैटेगरीज वगैरह के अंदर ग्रुप किया गया हो, ठीक है। और यूजली कैटेगरीज क्या होती हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आपसे पूछता हूँ कि जी आप जो है कितने लोग पाकिस्तान में इस वक्त बैठ के क्लास ले रहे हैं, ठीक है। तो अगर मैं उसको एक ग्रुप में उन लोगों के नाम लिख दूँ पाकिस्तान के नाम पे, तो वो एक कैटेगरी हो जाएगी जिसके अंदर मैंने उन बंदों को, उन स्टूडेंट्स को ग्रुप कर दिया। ऑन दी अदर साइड, अगर वही स्टूडेंट्स जो हैं मेरे पास यहाँ पे बैठे हैं और वो कहते हैं कि हम पाकिस्तान में नहीं बैठे, मैं जापान में हूँ, या मैं ऑस्ट्रेलिया में हूँ, या मैं कनाडा में हूँ, या मैं इटली, जर्मनी, फ्रांस, या किसी भी ऐसे कंट्री में बैठ के क्लास ले रहा हूँ या ले रही हूँ, सो वी कैन ग्रुप दैम इन टू डिफरेंट कंट्रीज। तो एट द एंड जो हमारे पास कैटेगोरिकल डेटा आएगा, दैट वुड बी अ कंट्री नेम, ठीक है। वो क्या कर रहा है, कंट्री नेम, कंट्री नेम इज ग्रुपिंग बिग डेटा या ऑब्जर्वेशंस इनटू डिफरेंट ग्रुप्स, ठीक है, समझ आ रही बात की। तो उसको हम वेरिएबल्स भी बोलते हैं, और वेरिएबल भी बोलते हैं जो कैटेगोरिकल डेटा के अंदर हम कॉलम के हेडर को देखते हैं, न्यूमेरिकल को भी, बट वी विल टॉक अबाउट दैट इन अ मिनट। फिर होता है हमारे पास ऑर्डिनल डेटा, ऐसा डेटा जो कैटेगरीज हों लेकिन उनके अंदर ऑर्डर हो, जैसे कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। क्लास में कौन फर्स्ट है, कौन सेकंड है, कौन थर्ड है, तीन ग्रुप्ड कैटेगरीज हैं बट दे आर हैविंग ऑर्डर। फिर आपके पास नॉमिनल डेटा, ऐसा डेटा जो ऑर्डर के बगैर हो, जिसमें कोई लॉजिकल ऑर्डर ना हो, बट यू कैन नेम देम, जैसे कि मेल वर्सेस फीमेल, पाकिस्तानी वर्सेस इंडियन, वर्सेस बांग्लादेशी, वर्सेस जर्मन, वर्सेस इटालियन,
वर्सेस कोई भी अमेरिकन एट्सेट्रा एट्सेट्रा. सो आपका जेंडर एंड नेशनैलिटी एंड मैरिटल स्टेटस, समबरी इज मैरिड, अनमैरिड, डिवोर्स, और जो भी आपका मैरिटल स्टेटस होगा दैट यू कैन एक्चुअली यूज़ हियर. और ये नॉमिनल डेटा होगा, इसमें ऑर्डर कोई नहीं है, यानी कि कोई भी नेशनैलिटी दूसरी नेशनैलिटी से अफजल नहीं है. ठीक है, ये वही यहाँ पे एक हदीस का मफहूम ही मैं दे देता हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कि किसी अरबी को किसी अजमी पर, और किसी अजमी को किसी अरबी पर, किसी गोरे को किसी काले पे, और किसी काले को किसी गोरे पे कोई फोकियत हासिल नहीं है. सो दैट वाज एन एग्जांपल ऑफ नॉमिनल डेटा. ठीक है, जहां पे किसी की कोई भी बर्तरी ना हो, दैट इज नॉमिनल. अब आपको ये एग्जांपल याद रहेगी ना, बिलीव मी यू विल नेवर एवर फॉरगेट दिस. नॉमिनल डेटा ऐसा डेटा है जिसमें कोई ऑर्डर नहीं है, बट दिस इज कैटेगरी, जिसमें नाम है, जिसमें आपका जेंडर आ सकता है, मैरिटल स्टेटस आ सकता है, समथिंग लाइक दैट. और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हम ऐसे दौर में बैठे हुए हैं जहाँ पे इक्वालिटी की बेस पे सारी की सारी बातें की जा रही हैं. ठीक है, एंड दैट्स अ गुड थिंग. जेंडर जो है मेल है वर्सेस फीमेल है, बोथ आर इक्वल, सो दैट्स अ गुड थिंग एक्चुअली गोइंग ऑन. और जेंडर में इसी वजह से कोई फर्क नहीं है. अगर आपको लगता भी है किसी भी एक रिलीजियस बिलीफ या बाकी चीज़ों के बेस पे, यू विल स्टिल यूज इस एज ए नॉमिनल डेटा, बिकॉज मेजोरिटी इन द वर्ल्ड दे आर इन ऑन टू द पॉइंट कि मेल्स आर इक्वल टू फीमेल्स, और कोई भी बर्तरी किसी को किसी पे हासिल नहीं है. देन यू हैव बाइनरी डेटा. वो आपने अक्सर सुना होगा ना कि मेरा एक दिल करता है मैं जाऊँ, मेरा एक दिल करता है मैं ना जाऊँ. वो जो हाँ या ना जो है ना, ये किस्म का डेटा को हम बोलते हैं बाइनरी डेटा. ट्रू और फॉल्स, ऑन और ऑफ, यस और नो, दिस इज कॉल्ड बाइनरी डेटा. बाइनरी का मतलब होता है, आपको अगर याद हो, जीरो और वन कोडिंग को बाइनरी कोडिंग बोला जाता है कंप्यूटर साइंस के अंदर. सो बाइनरी डेटा मीन्स समथिंग विच हैज ओनली टू ऑप्शंस, यस और नो, ट्रू और फॉल्स, ऑन और ऑफ. ठीक है, ये याद रखना है. ये डेटा टाइप और पिछली डेटा टाइप बहुत ज्यादा यूज होती है, सॉरी, इनसाइड आर प्रोग्रामिंग एंड ऑल्सो डेटा एनालिसिस. देन यू हैव टाइम सीरीज डेटा. ऐसा डेटा जब आप वो मेजर कर रहे हैं उसके साथ टाइम का एक कॉलम ऐड हो जाए, दैट्स कॉल्ड टाइम सीरीज, सिंपल, नथिंग मोर देन दैट. फॉर एग्जांपल मैं आपको मिसाल देता हूँ कि मैंने अपना वेट आज मेजर किया, वो आ गया से फॉर एग्जांपल, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल 65 या 70. कल को मैंने किया वही 71 है, परसों को किया 72. मैं रोजाना की बेस पे जो मेजर कर रहा हूँ, मैं उसके साथ डेट या टाइम का एक कॉलम बनाता जा रहा हूँ जिसमें मैं टाइम और डेट लिखता जा रहा हूँ, देन दिस डेटा वुड बी अ टाइम सीरीज डेटा. ठीक है, वो कैटेगोरिकल हो, वो नॉमिनल हो, डजेंट मैटर. जैसे आप रोजाना की अटेंडेंस लें क्लास में कि कौन कौन आया है, वो नॉमिनल डेटा है ना, बट ऑन द अदर साइड आप टाइम की बेस पे ले रहे हैं तो दैट इज ऑल्सो टाइम सीरीज डेटा, कि संडे को ये नाम आए थे, मंडे को ये आए थे, ट्यूजडे को ये, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे ये वाले आए थे. एंड देन यू हैव क्रॉस सेक्शनल डेटा. क्रॉस सेक्शनल डेटा ऐसा डेटा होता है, डेटा कलेक्टेड एट अ सिंगल पॉइंट इन टाइम और ओवर अ वेरी शॉर्ट पीरियड. तो क्रॉस सेक्शनल बेसिकली होता है जब आप किसी भी एक डेटा को एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम की चेंज के लिए मेजर करते हैं, यानी कि अब क्या हुआ और जब वो वाकया हो गया तब क्या हुआ, बिफोर एंड आफ्टर टाइम काइंड ऑफ डेटा. ठीक है, क्रॉस सेक्शनल डेटा. तो आप ऐसा करते हैं, क्रॉस सेक्शन, अगर आपने बायोलॉजी पढ़ी हो तो सेंटर से किसी चीज़ को जब काटा जाता है तो उसका क्रॉस सेक्शन हो जाता है. ठीक है, तो उसका एक मिरर इमेज होती है, इधर वाली एक इधर वाली होती है, राइट. सो वी से कि बिफोर एंड आफ्टर, या ऐसा चीज़ जो क्रॉस सेक्शन, यानी कि वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के बाद या पहले डेटा कलेक्ट किया गया. फिर आपके पास आता है लॉन्गिट्यूडनल डेटा, डेटा कलेक्टेड ओवर अ लॉन्ग पीरियड टू एनालाइज चेंजेस. ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल, और इसके अंदर आप लॉन्ग टर्म हेल्थ स्टडीज वगैरह देख सकते हैं, इम्प्लाई परफॉर्मेंस देख सकते हैं, एंड यू ऑल्सो ऑब्जर्व समथिंग विच इज लाइक रियली ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. मैं एक मिसाल इसकी देता हूँ कि अफ्रीकन अमेरिकन जो हैं उनकी एज जो है अमेरिका के अंदर पिछले 100 सालों में कैसे बढ़ रही है या कम हो रही है. बिकॉज ऑन एन एवरेज अफ्रीका के अंदर जो एवरेज एज है वो 40-45 से 50 तक है. पाकिस्तान में भी 50 है. पाकिस्तान में अगर लोग 50 से ऊपर हो जाएं तो वो कह देते हैं कि ये बोनस एज है. क्यों? क्योंकि हालात, वाकयात, क्लाइमेट, एक्लेमेटाइजेशन एंड ऑल दीज थिंग्स मैटर अलॉट. सो कहने का मकसद क्या है कि इसका मतलब ये नहीं कि हर बंदा 50 जिएगा. इसका मतलब है दिस इज ऑन एन एवरेज एंड दिस इज बेस्ड ऑन द लॉन्गिट्यूडनल, द लॉन्ग पीरियड ऑफ स्टडी डेटा. सो यू कैन अंडरस्टैंड दैट वन. फिर आपके पास आता है स्पेशल डेटा. ऐसा डेटा जिसके अंदर जियोग्राफिकल और स्पेशल लोकेशन का जिक्र हो. ठीक है, मैं मिसाल आपको अभी दे देता हूँ. आपने पाकिस्तान में बैठ के जिस जगह पे बैठे अपना GPS ऑन करके मुझे अपनी लोकेशन भेज दे, बाकी लोग भी भेज दे. सो मेरे पास जो डेटा होगा वो स्पेशल डेटा होगा. सही है, वो एग्जैक्टली पॉइंट टू पॉइंट डेटा होगा, यानी कि स्पेस के बेस पे डेटा.
इसकी एग्जांपल मैं एक और दे देता हूँ आपसे। मैंने अभी पूछा था थोड़ी देर पहले कि पाकिस्तान में कौन बैठा है और इंडिया, बांग्लादेश और वहाँ से कौन लेक्चर्स ले रहे हैं। सो अगर आप अपने कंट्री के नेम लिखते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं लेटर ऑन तो कमेंट सेक्शन में, वरना आप चैट में भी लिख सकते हैं आप इस वक्त कहाँ पर हैं। सो जैसे आप लिखेंगे यू विल सी जो डेटा मेरे पास आ रहा होगा दैट इज़ स्पेशल डेटा। एंड आई नो मोस्ट ऑफ यू गाइज आर फ्रॉम पाकिस्तान एट द मोमेंट, दो से तीन लोग जो है वो पाकिस्तान से बाहर बैठ के भी जो है वो क्लासेस ले रहे हैं। सो यू नीड टू नो कि ये कैसे काम करता है। एंड देन अनस्ट्रक्चर डेटा, ऐसा डेटा जिसकी कोई स्ट्रक्चर नहीं है, कोई एक्सेल की शीटें नहीं बनी हुई लेकिन वो डेटा है। सबसे बड़ी एग्जाम्पल वीडियो का डेटा, वीडियो का डेटा एक्सेल की शीट में तो नहीं ना होता। सो ऐसा डेटा जिसका कॉलम रोज वगैरह ना हो, दिस इज कॉल्ड अनस्ट्रक्चर डेटा। ऑडियो रिकॉर्डिंग्स का डेटा बाय द वे बड़ी लीक होती हैं तो थोड़ा बचा करें, तो ये वही डेटा है जो खैर से लीक हो जाता है इजीली। फिर सोशल मीडिया पोस्ट का डेटा, ये भी करते वक्त ख्याल रखा करें क्योंकि वैसे भी आपके जो फुटप्रिंट्स हैं, डेटा के फुटप्रिंट्स हैं, वो कभी भी ख़राब नहीं होते। और आजकल जितना दुनिया में अनस्ट्रक्चर्ड डेटा प्रोड्यूस हो रहा है, कोई और डेटा प्रोड्यूस नहीं हो रहा। इसके सिंपल एग्जांपल ले ले, मैं भी आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ और दिस रिकॉर्डिंग विल बी सेव्ड समवेयर, तो वो डेटा ही है जो सेव हो रहा है। आप लोगों की नॉटिंग, आप लोग जो देख रहे हैं, जो मैं आपको देख रहा हूँ, वो डेटा के थ्रू ही मेरे पास आ रहा है ना, वरना पॉसिबल कहाँ पे था कि आपकी वीडियो मेरे तक पहुँच जाए। दैट वॉज डेटा और वो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है, ठीक है। स्ट्रक्चर डेटा क्या होता है? डेटाबेस के रिकॉर्ड्स, एक्सेल हो गया, स्प्रेडशीट हो गई गूगल की, या आपका एसक्यूएल हो गया, या ऐसे डेटा के रिकॉर्ड्स जो रोज और कॉलम्स की बेस पे आप बनाते हैं। देन यू हैव सेमी स्ट्रक्चर डेटा जिसके अंदर आपके पास स्ट्रक्चर्ड वर्सेज अनस्ट्रक्चर्ड दोनों डेटा टाइप्स मौजूद होती हैं, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ आ गई कि डेटा की टाइप्स कैसी हैं। अगर आपको ना समझ आए सो ये 3.7.2 मैंने उर्दू के अंदर भी बताए हुए हैं, नीचे अगर देखें अगर किसी को आसानी चाहिए हो, और मैंने इंग्लिश के अंदर भी इनको बड़ा अच्छे तरीके से डिफाइन किया है। एक डेटा टाइप जो मैं यहाँ पे भूल गया, दैट वाज मल्टी डायमेंशनल डेटा, डेटा विद मल्टीपल डायमेंशन और एस्पेक्ट्स ऑफन सीन इन कॉम्प्लेक्स डेटाबेसेस, ठीक है। मल्टी डायमेंशन का मतलब है कि आप कई कॉलम्स अपने डेटा के अंदर देखें। जैसे हमारा ये जो सिस्टमेटिक रिव्यू का एक एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ, जिसके अंदर हमने मोर देन 59 कॉलम्स को देखा, तो वो मल्टी डायमेंशन है, यानी कि एक डेटा आ रहा है उसकी दो डायमेंशन होगी दूसरे कॉलम में, फिर वो डायमेंशन बढ़ती जाती है, राइट। सो दैट इज़ कॉल्ड मल्टी डायमेंशनल डेटा। इसका एक और लिंक होता है कि मैंने आप सभी से, आपका जब डेटा मंगवाना है सिस्टमेटिक रिव्यू का या कोई भी डेटा जो आप इकट्ठा करें, जब मैं वो नेम्स के साथ सेव करूँगा तो उसकी एक डायमेंशन और बढ़ गई कि हर किसी का डेटा सेपरेटली एक फोल्डर के अंदर है, ठीक है। डायमेंशन क्या है? द डायमेंशन इज नेम्स, एक डायमेंशन होगी। दूसरी मैं ये करता हूँ कि जो लोग कंप्यूटर साइंस में काम कर रहे हैं उनका सेपरेट डेटा रखूँ, जो लोग फॉर एग्जांपल बायोलॉजिकल साइंसेज में कर रहे हैं उनका सेपरेट डेटा रखूँ। सो दैट वुड बी अनदर डायमेंशन। वी नीड टू बी वेरी केयरफुल व्हेन वी आर यूजिंग दिस काइंड ऑफ डेटा सेट्स। ये हैं जी डेटा सेट्स और ये डेटा की टाइप होती है। अब मैं आपको एक छोटी सी एग्जाम्पल देने वाला हूँ, टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर इन आर। डेटा स्ट्रक्चर इन आर के लिए अगर हम देखें तो हमारे पास मल्टी टाइप्स का डेटा होता है। ऑब्वियसली ये जो डायग्राम मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट डायग्राम, और मैं ऑब्वियस आपको शो करवाना चाह रहा हूँ कि मैंने खुद नहीं बनाई, ताकि आपको पता चले कि आप भी इस तरीके से गूगल इमेजेस में जाके ये डायग्राम्स लेके आ सकते हैं। सो इफ यू लुक इन टू दिस डायग्राम यू कैन सी, एक होता है वैक्टर का डेटा, ठीक है। वेक्टर का मतलब क्या होता है? एक पॉइंट इन टाइम से स्टार्ट होके दूसरी साइड पे जा रहा है ये डेटा, ठीक है। मिसाल आपको देता हूं वेक्टर का डेटा क्या है। यहां पे मैं कोई एक डेटा रखूं, डेटा टाइप्स, डेटा स्ट्रक्चर्स इन आर, हैशटैग नंबर वन वेक्टर्स। अब आप और कीजिएगा, ये गिटहब को पायलट का कमाल है, बाय द वे मेरा कोई कमाल नहीं है इसके अंदर। सो ये वन डायमेंशनल अरे होती है। अब आप पूछ रहे होंगे अरे क्या होती है? अरे ये वो वाला अरे नहीं है, अरे ना करो, ये वो वाला अरे नहीं है। दिस इज एरेस, दिस इज अ काइंड ऑफ डेटा टाइप जो डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर यूज होता है। इसकी बहुत ही अच्छी एग्जाम्पल मैं आपको देने वाला हूँ, बहुत ही आसान एग्जाम्पल। मिठाई का डब्बा देखा है? मिठाई के डब्बे में आप ये समझें कि रसगुल्ले, चमचम, गुलाब जामुन और बर्फी लगी होती है। कभी ऐसा हुआ कि वो बंदे ने एक बर्फी यहां पे रख दी, एक बर्फी कोने में रख दी, दूसरी बर्फी इस कोने में, तीसरी बर्फी इस कोने में, ऐसा तो नहीं ना होता। दे एक्चुअली स्टैक देम इन अ वे कि उसकी अरे बनती है, अरे जिसको बोला जाता है। थोड़ा सा बर्गर लैंग्वेज में बोलूं तो अरेस,
तो वो एरे जो है वो बेसिकली एक पॉइंट इन टाइम में जो आपके पास डेटा है उसको हम एरे बोलते हैं, ठीक है। इसकी मिसाल आप ऐसे लेने कि बर्फियां सारी की सारी राइट साइड पे होंगी, गुलाब जामुन लेफ्ट साइड पे होंगे और वो ऐसे एक लाइन में होंगे, ठीक है, तो उसको हम एरेज बोल देते हैं। और ये सबसे बेहतरीन एग्जांपल है किसी भी चीज़ को समझने, खासतौर पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए। और बिलीव मी ये मेरी अपनी एग्जांपल है, और ये भी पढ़ाते पढ़ाते अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल हुई या अवर्द हुई या अल्लाह ताला ने दिमाग में डाल दी। ऑफकोर्स ये मैं इस काबिल नहीं हूँ, वो कहते हैं ना कि मैं इस कर्म के कहाँ था काबिल, ये हुजूर की बंदा परवरी है। तो ये मैं तो इसी बात पे बिलीव करता हूँ बेसिकली कि ये अल्लाह और उसके रसूल की वो कहते हैं ना कि अताद का नतीजा कह लें या आप कह लें कि बिलीव का नतीजा है। मैं मेरा बड़ा पक्का बिलीव है इन चीज़ों पे, क्योंकि जिसने बनाया वो हमसे बेहतर जानता है कि हम क्या हैं। सो इन दैट सेंस जब मैं ये पढ़ा रहा था तो ये मेरे पास जब मिठाई की एग्जाम्पल है, मैंने फिर जाते हुए 1 किलो का डब्बा भी लिया देखने के लिए और फिर खाया भी, अकेले ने नहीं खाया बाय द वे, बांटा लोगों में। सो कहने का मकसद ये है कि यहाँ पे वेक्टर और अरेज आप इजीली देख सकते हैं जब आपके पास मिठाई का डब्बा हो। और मैं अभी आपको दिखाता हूँ मिठाई का डब्बा, लेट्स सी अगर हमारे पास यहाँ पे आ जाती है एग्जाम्पल। ये रही जी एग्जाम्पल, चेक करें, मुंह में पानी भी आ रहा होगा आपके, लेकिन अगर आप चेक करें तो यहां से ऊपर से नीचे आपके पास अरेज नजर आ रही है, दिस इज कॉल्ड अरे, ठीक है। अब ये अगर कोई डेटा टाइप हो, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये भी एक अरे है। अगर आप बर्फी 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 कह दें तब भी अरे, अगर ये गुलाब जामुन गुलाब जामुन गुलाब जामुन गुलाब जामुन कह दें तब भी अरे, बेचारे मेसू की अरे नहीं बनती, वो एक ही होता है। सो डोंट वरी अबाउट दैट, मेसू की खैर है, लेकिन हम जिन चीज़ों पर जो है वो खाने का स्वाद लेते हैं ज़्यादा, तो उन चीज़ों को हम देखते हैं सेकेंडली। और वाकई वज़न पूरा करने के लिए जो है वो एक साइड पे कुछ चीज़ें और भी डाल देते हैं, सो दे डू इट लाइक दैट। ओवरसीज मैं भी बाहर बैठा हूँ भाई, यहाँ पे मिठाई नहीं मिलती, सो ऊपर से जिस इलाके का मैं हूँ वहाँ पे तो एक मिठाई है यादगार स्वीट्स, वो बहुत कमाल है, पाकिस्तान फैसलाबाद के अंदर यूनिवर्सिटी के बिल्कुल राइट साइड पे सदर बाज़ार के अंदर, सो दैट्स वन ऑफ द बेस्ट आई वुड से। कभी फैसलाबाद का चक्कर लगे तो वहाँ से ज़रूर लीजिएगा, कोई यहाँ पे मशहूरी नहीं है उनकी, उन्होंने मुझे कोई कमीशन नहीं देना, बट आई एम जस्ट सेइंग। अच्छा जी, वेक्टर की समझ आ गई। वेक्टर ये है कि एक साइड से दूसरी साइड पे जाते हुए एक डायमेंशन, डायमेंशन होती है एक डायरेक्शन, जब वो जाएगी चीज़ उसको बोलते हैं वेक्टर। अब इसी को आर के अंदर देखते हैं। अब यहाँ पे आर के अंदर आप देखिएगा, मैं कंट्रोल शिफ्ट 1 दबाता हूँ, आपको और भी समझ आ जाएगा। दिस इज़ वाई आई हैव चूजन दिस थीम जो मैंने कल आपको बताई थी, याद है? क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑटोमेटिकली मुझे पता चल रहा है हैशटैग वाली चीज़ें ब्लू हो जाएंगी, जो मैं कोड लिखूंगा वो सेपरेट हो जाएगा, और यहाँ पे ये इनको मैं एक सेपरेट सेक्शन के अंदर लेके आ रहा हूँ, ठीक है। अब देखें, वेक्टर्स आर वन डायमेंशनल अरेज, यानी कि डेटा की स्ट्रक्चर जो एक सीक्वेंस में होती है उसको जब वन डायमेंशन में रखा जाए, दैट कैन होल्ड न्यूमेरिक डेटा, करेक्टेड डेटा और लॉजिकल डेटा, जिसमें ट्रू फॉल्स भी हो यानी कि गुलाब जामुन भी हो, जिसमें करेक्टेड डेटा भी हो यानी कि बर्फी भी हो, और जिसमें न्यूमेरिक डेटा हो यानी कि छोटे चमचम भी हो। सो दैट मीन्स एनी काइंड ऑफ डेटा जो एक मिठाई के डब्बे के अंदर होता भी है, सो वी कैन से दैट वेक्टर। इसकी एग्जाम्पल अगर देखनी है तो हम सिंपली क्या कर सकते हैं, हम ये देख सकते हैं कि एक वेक्टर के अंदर एक दफा में एक ही टाइप का डेटा होगा, समझ रहे हैं बात को? एक वेक्टर में एक दफा में ज्यादा टाइप का डेटा नहीं हो सकता। सो इफ यू टॉक अबाउट अ वेक्टर ए, उस वेक्टर के अंदर सिर्फ और सिर्फ या तो बर्फी होगी या तो गुलाब जामुन होंगे, ऐसा नहीं होगा कि दोनों मिक्स करके रखे हो, ठीक है। सो दैट्स वन थिंग। सेकेंड थिंग इसके अंदर ये होता है, आप सी के फंक्शन को जब यूज करते हैं इनसाइड आर, तो वेक्टर्स को आप क्रिएट कर सकते हैं। यू प्लेस द वेक्टर एलिमेंट सेपरेटेड बाय कोमा, सी का फंक्शन लगा के एंड पैरेंथेसिस लगा के, कैसे? अभी हम देखते हैं यहाँ पे, मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ, कभी कभार ये भाई साहब जो आर साहब है ना, ये अपनी मर्जी भी करने लग जाते हैं। से फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे न्यूमेरिक वैक्टर एक बनाते हैं हम, और इसको मैं नंबर वेक्टर बोल देता हूँ, ठीक है। अच्छा, अगर आपको ये लग रहा है कि मुझे ये खुद से टाइप करना चाहिए, आई कैन डू दैट, लेकिन चीज़ों को समझने के लिए आपको कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी है। बट रैदर द लेटर यू कैन फाइंड दिस स्क्रिप्ट, आई विल सेंड यू दिस स्क्रिप्ट। क्यों? क्योंकि आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि ये गिटहब पे कहाँ पे आपको सारे का सारा मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट ऑलरेडी अवेलेबल होगा व्हेन एवर यू वॉन्ट टू लर्न आर। तो न्यूमेरिक वेक्टर अगर हमने बनाना है तो सी लगाएंगे, साथ में 1 2 3 4 5 लिख देंगे, यानी कि ये वेक्टर के अंदर जो वैल्यूज हैं दोज आर 1 2 3 4 5, यानी कि एक न्यूमेरिक वन डायमेंशनल वेक्टर है। और अगर मैं इसको यहाँ पे प्रिंट करूँ, मैं इसको यहाँ पे रन करता हूँ, यू विल सी कि हमारे पास न्यूमेरिक वेक्टर जो अभी तक फाइंड नहीं किया, क्यों? अच्छा, क्या गलती की है मैंने यहाँ पे?
बताएगा कोई? जो पाइथन वाले हैं ना उनसे बहुत ज़्यादा गलती होती है, जो पाइथन ज़्यादा काम करते हैं, एंड यू कैन सी दैट। मैंने दोनों को रन करना चाहिए था, मैंने ऊपर वाला रन नहीं किया, नीचे वाला कर दिया, दैट वॉज द प्रॉब्लम। ठीक है, पाइथन में ऐसा नहीं होता, पाइथन में कोड ब्लॉक रन होता है, सो दैट वॉज द रीजन। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास आंसर आ गया 1 2 3 4 5, दिस इज कॉल्ड न्यूमेरिक वैक्टर। राइट, पैकेज की नहीं मसला, यहाँ पे ये इसको मैंने रन नहीं किया था। ओके, न्यूमेरिक वैक्टर आ गया। अब इसके अलावा आप और भी काम कर सकते हैं न्यूमेरिक वेक्टर के अलावा, आप अपना कैटेगोरिकल वेक्टर, करेक्टर वेक्टर भी बना सकते हैं, समथिंग लाइक दिस, ए बी सी डी ई। ठीक है, एक बात अब आपको जो समझने वाली है, बड़ा पॉइंट नोट कीजिएगा, अल्लाह करे मैं आपको समझा सकूं, ये है नंबर्स, राइट, ये है अल्फाबेट्स, ऐसे ही है। कंप्यूटर के अंदर जब आप नंबर या अल्फाबेट्स लिखते हैं, एट द एंड वो एक बाइनरी कोड ही होता है। राइट, ये बात समझ, बाइनरी कोड क्या है, 0101010001100001, ये रिदम बन जाती है, सो आपके पास करेक्टर्स आ जाते हैं। यहां पे अगर गौर करें तो मैंने जब अल्फाबेट लिखे, आई हैव यूज दिस इन्वर्टेड कॉमास। इन्वर्टेड कॉमा क्या होते हैं, जब भी आप कोई अल्फाबेट या इंग्लिश या इस डेटा टाइप को, हम बोलते हैं स्ट्रिंग, स्ट्रिंग, दिस डेटा टाइप इज कॉल्ड स्ट्रिंग, जब भी स्ट्रिंग यूज करते हैं जिसके अंदर अंग्रेजी के अल्फाज मौजूद हैं, देन यू विल यूज इन्वर्टेड कॉमा। ठीक है, और इन्वर्टेड कॉमा तब यूज करना है जब कभी आप अपने डेटा के अंदर स्ट्रिंग्स का डेटा रख रहे हैं, यानी कि करेक्टर का डेटा रख रहे हैं, देन यू विल यूज इन्वर्टेड कॉमा, एंड दैट्स वाई हेयर वी हैव अ करेक्टर वैक्टर, और करेक्टर वैक्टर को सी एच ए आर कैर वैक्टर भी बोल दिए। जो लोग एसक्यूएल या अदर लैंग्वेजेस को सीखते हैं उनको पता है कि कैर जो है वो करेक्टर को बोला जाता है ज्यादातर लैंग्वेजेस के अंदर, बट इफ यू वांट टू चेंज द नेम इनटू एक्स और वाई यू कैन आल्सो डू इट, जो हमने कल करके भी देखा था, ठीक है, पिछले लेक्चर्स के अंदर। अब मैं इसको रन करता हूं दोनों को, एंड देन यू विल सी कि हमारे पास एक वैक्टर आ गया जिसका नाम है ए बी सी डी ई। और यही चीज अगर मैं वापस जाऊं यहां पे, यू कैन सी कि हमारे पास एनवायरमेंट के अंदर यहां पे यू विल सी दैट हमारे पास करेक्टर वैक्टर भी आ गया और न्यूमेरिक वैक्टर भी आ गया, रादर देन एक्स एंड वाई जो हमारे पुराने पिछले लेक्चर के हमने सेव किए थे। अब आप सोच रहे होंगे यार ये इतने ज्यादा बीच में आई जा रहे हैं, आप यहां से पकड़े, ये देखिएगा, क्लियर ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द वर्क स्पेस, आप ये जो करेक्टर वैक्टर और न्यूमेरिक वैक्टर के साथ साथ पुराने वैक्टर्स हैं सभी को यहां से रिमूव कर दें, यस कर दें, नाउ यू डोंट हैव एनी थिंग इन द इन्वायरमेंट, यानी कि आपका कोई भी ऑब्जेक्ट स्टोर्ड नहीं है, यू नीड टू री रन एवरी टाइम जब आपके पास कोई चीज आ रही है। फॉर एग्जाम्पल मैंने करेक्टर वैक्टर को देखना है, मैं रन करता हूं, मेरे पास कोई भी चीज नहीं है करेक्टर वैक्टर की, क्यों, क्योंकि इन्वायरमेंट से मैंने रिमूव कर दिया है। सो अब मैं इन्वायरमेंट के अंदर नुमेरिक और करेक्टर वैक्टर लाने के लिए ये वाला कोड रन करूंगा, एंड हेयर दिस इज नुमेरिक वैक्टर, इसको मैं यहां से रन करता हूं, देन वी हैव 1 2 3 4 5 इसकी एग्जाम्पल। अब मैं करेक्टर वेक्टर को रन करता हूं, करेक्टर वेक्टर आ गया, एंड इसी तरीके से करेक्टर वेक्टर की एग्जाम्पल यहां पे मेरे पास वैल्यूज आ गई। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि ये पहली पेन में हम कोड लिख ही जा रहे हैं यहीं पे, यू नो व्हाट, यू कैन ऑल्सो राइट द सेम कोड हियर डाउन हियर, मैं भी आपको दिखाता हूं। यहां पे अगर आप अप एरो की या डाउन एरो की यूज करेंगे, जो आपके पुराने फौरन से पहले हिस्ट्री में यूज्ड कमांड्स हैं वो सारी आ जाएंगी, अप एरो की से चेक करें जो अभी तक मैंने रन किया इस टर्मिनल में, डाउन एरो की से आप नीचे को आ जाएंगे। सो मैं अप एरो की दबाता हूं, करेक्टर वेक्टर आ गया, एंटर करता हूं, ये लिंक कोड रन हो गया। ठीक है, एंड वी कॉल दिस कंसोल, कंसोल। ठीक है, और आपको मजे की बात बताऊं, यहां पे अगर किसी को कमांड प्रॉम्प्ट की जरूरत है, आपको सेपरेट कमांड प्रॉम्प्ट खोलने की जरूरत नहीं है, यू कैन जस्ट क्लिक ऑन टर्मिनल और यहां पे आपके पास कमांड प्रॉम्प्ट आपका आ जाएगा, सही है। सो यू कैन सी कि यहां पे आप अप एरो की दबाएंगे, यू विल हैव करेक्टर वेक्टर, मैं इस पे एंटर दबाता हूं, एंड हियर यू गो। ठीक है, ये आप खुद से भी लिख सकते हैं कैर अंडरस्कोर वेक्टर, और आपको ये ऑटोमेटिकली खुद से सजेस्ट करता जाएगा, ये कर लो, वो कर लो, वो कर लो, ये आ गया आपके पास करेक्टर वेक्टर। ठीक है, सो ये है वेक्टर की एक टाइप। अब आपको समझ आ गई होगी कि जनाबे वाला जो वेक्टर है वो इस तरीके से हमारे पास आता है। अब वेक्टर आप लॉजिकल वेक्टर भी बना सकते हैं, और लॉजिकल वेक्टर बनाना बहुत ही आसान है, कैसे, सिंपल, वही ट्रू फॉल्स 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 ट्रू 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 फॉल्स, सेम वही चीज, ये हमारे पास लॉजिकल वेक्टर आ गया। अब ये लॉजिकल वेक्टर हमने कैसे बनाया, नाम लिखा,
लेस देन माइनस का साइन एंड देन ये हमने यूज किया उसके अंदर जो भी एग्जाम्पल थी, इसको रन करते हैं, ये हमारे पास लॉजिकल वेक्टर आ गया और यहाँ पे ये स्टोर भी हो गया. ठीक है, सो जितनी भी डेटा टाइप्स हैं यू कैन क्रिएट वेक्टर्स विद दोज डेटा टाइप्स. एंड आई नो कि आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा ये हम यूज कहाँ पे करेंगे. सो डोंट वरी, आई एम गोना शो यू लेटर ऑन कि किस तरीके से आप जो है वो यूज कर सकते हैं. अच्छा, ये तो हो गया, वेक्टर आपके पास आ गया. ठीक है, वेक्टर की एग्जाम्पल्स भी आपको समझ आ गई, वेक्टर क्या होता है, सिंगल एरे होती है और किस तरीके से यूज होता है. राइट, यहां तक क्लियर हो गया. अब जो दूसरा आपके पास चीज होती है दैट इज कॉल्ड डेटा फ्रेम या टेबल, इसके बारे में आप अच्छे से जानते हैं ऑलरेडी, ऐसा ही है, जिसमें रोज एंड कॉलम्स हो, यानी कि एक वेक्टर ऊपर से नीचे आ रहा है, दूसरा वेक्टर लेफ्ट टू राइट जा रहा है. जब ये दोनों मिलते हैं लेफ्ट टू राइट, ऊपर से नीचे, देन दे मेक अ डेटा फ्रेम. सिंपल, तो आप ये भी तो कह सकते हैं एक वेक्टर एक कॉलम है या एक रो है, और जब रोज और कॉलम दो दो वेक्टर मिलेंगे तब आपके पास डेटा फ्रेम बन जाएगा. यानी कि एक्सेल की शीट के अंदर जब आप ऊपर से नीचे या लेफ्ट टू राइट जाते हैं दैट इज कॉल्ड अ डेटा फ्रेम. यहां पे अगर मैं आऊं, यहां पे ये लेफ्ट टू राइट, ये ऊपर से नीचे, ये दोनों चीजें मिलती हैं तो आपके पास सेल्स आते हैं. एक्सेल की बेसिक से ये है ना, ऊपर से नीचे जाए लेफ्ट टू राइट जाए तो आपके पास डेटा फ्रेम बन जाता है. एंड दैट्स हाउ यू ऑल्सो हैव डेटा फ्रेम्स हियर. अब यहां पे मेरे पास, मैं यहां पे लिखता हूं डेटा फ्रेम्स इन आर, इसका एक नया चैप्टर मेरे पास बन जाएगा. मैं पीछे वाले को कोलैप्स कर देता हूँ, देन इट्स इजी. यू सी, नाउ यू कैन सी कि हमारे पास काफ़ी चीज़ें आसानी के साथ आ गई हैं. अब यहाँ पे डेफिनेशन देखते हैं. डेटा फ्रेम्स आर टू डायमेंशनल अरेज दैट कैन होल्ड न्यूमेरिक डेटा, कैरेक्टर डेटा और लॉजिकल डेटा. एक ऐसी अरे जिसके अंदर दो डायमेंशन हो, यानी कि दो डायमेंशन वाली अरे हो, या इसको दो अरेज भी बोला जाता है. ठीक है, और जो होल्ड कर सके एनी काइंड ऑफ डेटा, इसको डेटा फ्रेम बोला जाता है. सिंपल, बहुत आसान है, और इसकी टाइप्स जो हैं वो हम ले भी सकते हैं. अब इसके अंदर आपके पास डेटा फ्रेम के अंदर दे आर सिमिलर टू मैट्रिसेस बट कैन हैव कॉलम्स ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स. अब बात सुनिएगा, एक और डेटा टाइप जिसका नाम है मैट्रिक्स. मैट्रिक्स आपने सुना होगा, वैसे भी पढ़ा भी होगा मैथमेटिक्स के अंदर. दिस इज सिमिलर टू दैट वन, बट दिस डेटा टाइप के अंदर रोज एंड कॉलम्स होते हैं, यहाँ पे भी होते हैं. इन दोनों में फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पे हर कॉलम सेपरेट हो सकता है, लेकिन मैट्रिक्स में हर कॉलम सेम डेटा टाइप का होता है. सिंपल, दैट्स इट. समझ आ गई बात की या नहीं? अगर यहाँ पे गौर करें, ये एक कॉलम है ग्रीन वाला, दूसरा हमारे पास है पिंक वाला, तीसरा है ब्लू वाला. ब्लू, पिंक एंड ग्रीन, ये तीनों मिलके, यानी कि तीन किस्म के डेटा टाइप्स मिलके एक डेटा फ्रेम बना रही हैं. मैट्रिक्स में ऐसा नहीं होता, मैट्रिक्स में सेम डेटा टाइप होती है और यूजुअली आपके पास न्यूमेरिक डेटा होता है मैट्रिक्स में. ठीक है, बट वी विल सी दैट इन अ मिनट. अच्छा जी, यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा. अब कॉलम्स ऑफ डेटा फ्रेम कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप, जो मैंने आपको पहले बता दिया. एंड इसके अलावा क्रिएट कर सकते हैं आप डेटा फ्रेम डेटा डॉट फ्रेम का फंक्शन यूज करके, और आपके पास जो है वो डेटा फ्रेम बन जाएगा. हम यहां पे एक डेटा फ्रेम को क्रिएट करने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से बनता है. हम डेटा फ्रेम को कोई भी नाम दे देते हैं. अच्छा, यहां पे आपको कुछ चीजें मैंने अब समझानी है. ये है हमारा कोड डेटा फ्रेम का. ठीक है, DF का मतलब है कि ये पूरा जो आगे कोड चल रहा है ये सारा DF के अंदर स्टोर हो जाए. इतनी बात याद रखें, यानी कि DF एक ऑब्जेक्ट है विच इज गोइंग टू स्टोर ऑल द फंक्शंस प्रोवाइडेड एट द राइट हैंड साइड ऑफ दिस DF. ठीक है, समझ आ गई बात की? बट यू हैव टू यूज दिस लेस देन एंड माइनस की कमांड. अब यहां पे देखिएगा, डेटा डॉट फ्रेम एक फंक्शन है, दिस इज कॉल्ड अ फंक्शन. ठीक है, जैसे हमने पिछले इसके अंदर भी एक फंक्शन यूज किया था, मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट करता हूं. यहां पे हमने एक फंक्शन यूज किया था, सी को यूज किया था. सिंपली सी वेक्टर को बनाने के लिए कंबाइन का फंक्शन होता है या कंकैटिनेट का होता है, सो हमने इसको यूज किया था. अब यहां पे ये पहला फंक्शन आया. फंक्शन का मतलब होता है जो किसी भी चीज को कन्वर्ट कर दे इन अनदर थिंग, या कोई वैल्यूएबल हमें एक प्रोसीजर या इक्वेशन लगा के हमें आंसर दे. एक सिंपल फंक्शन की एग्जांपल मैं आपको बताता हूं. यहां पे ये हमारे पास है हमारी पॉकेट मनी,
ठीक है, एक्सेल की बात करता हूँ, एक्सेल तो सभी को आता है ना। तो एक्सेल के अंदर जब हम करते थे, 10 रुपये मुझे पहले दिन मिली है, 15 दूसरे दिन, तीसरे दिन 20, चौथे दिन 40, पाँचवें दिन 50, फिर 100, फिर 60, ठीक है। तो ये मेरे पास 7 दिनों की पॉकेट मनी है, ठीक है। अब एक फंक्शन हम लगाते थे यहाँ पे, इक्वल टू लगा के सम करते थे और हम कहते थे ये सारे का सारा सम कर लो। एंड दिस सम ने क्या किया था, ये सम एक फंक्शन था विच टेक एन आर्गूमेंट इनसाइड और वो फंक्शन परफॉर्म हो जाता है। यानी कि सम किस किस को करना है, इसको इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, यानी कि ये जितनी वैल्यूज इनको सम कर दो। दिस वाज अ फंक्शन जो हम एक्सेल पे लगाते थे। यहां पे वही फंक्शन एक डिफरेंट फॉर्मेट में लग रहा है क्योंकि इस फंक्शन का मकसद डिफरेंट है। ये फंक्शन ने इस जो वैल्यूज हैं इन वेक्टर्स को एक डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर देना, ठीक है। अब मुझे कोई बता सकता है इस डेटा फ्रेम के कॉलम कितने बन रहे हैं यहां पे देख के? थ्री कॉलम्स। कैसे? पहला जो डेटा है वो है नंबर का, 1, 2, 3, 4, 5। दूसरा डेटा है करेक्टर का, कैटेगोरिकल वेरिएबल्स ए बी सी डी ई। तीसरा है हमारा लॉजिकल, दिस इज कॉल्ड ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू, ठीक है। और अगर आप गौर करें, ये वाला जो हमारे पास एक डेटा फ्रेम बन रहा है इसमें 3 कॉलम्स हैं, रोज कितनी है अगर गौर करें तो? 3x3 वाले गलत कह रहे हैं, रोज देखें कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 5 रोज है, ठीक है। तो जब हम मैट्रिक्स की बात करते हैं वहां पे हम 3x5, 5x3 की चीजें यूज करते हैं, लेकिन डेटा फ्रेम में हम कहते हैं कि इतने रोज हैं, इतने कॉलम्स हैं, ठीक है। और इसको डेटा के शेप बोला जाता है, शेप या स्ट्रक्चर, इसको हम देखते हैं। अच्छा, यहां तक समझ आ गई। अब ये करेगा क्या, ये डीएफ डेटा फ्रेम को बनाएगा, पहले कॉलम के अंदर 1, 2, 3, 4, 5 वैल्यू होगी, दूसरे के अंदर करेक्टर होगा, तीसरे के अंदर ये वैल्यू होगी। अब इसकी एग्जाम्पल मैं आपको एक्सेल के अंदर पहले समझाता हूँ, आपको और भी अच्छे तरीके से समझ आएगी। पहला मेरे पास नंबर का कॉलम है, दूसरा करेक्टर का कॉलम है, तीसरा मेरे पास लॉजिकल ऑपरेटर है, लॉजिकल, ठीक है। ये कॉलम है 1, 2, 3, 4, 5 और दूसरे में हमारे पास है ए बी सी डी ई, तीसरे में हमारे पास है ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू। ये काम जो हमारे पास यहां पे पड़ा है ना, ये हम आर से करवा रहे हैं, सिंपल इज दैट, सही है, समझ आई बात की? ये करवाना क्यों जरूरी है, ये समझना इस वजह से जरूरी है बिकॉज व्हेन यू विल डील विद द बिग databases like thousands of values or more than that, तो Excel वहाँ पर जवाब दे जाता है। जब millions की बात आती है, so at that point you can use R और वहाँ पर R आपको help करेगा। अब मैंने क्या करना है, आप देख रहे होंगे कि यार ये नीचे को क्यों गया, यहाँ के बाद enter क्यों मारा हुआ है, it should be like this, ना इस तरीके से होना चाहिए था, ये नीचे enter क्यों मारा हुआ है इन्होंने, है ना। मैं अभी आपको समझाता हूँ ये क्यों लगते हैं, ये चीज़ें आपको भी समझ आ जाएगी। अगर आप एक लाइन में इस कोड को लिखते तो जो मेरे साथ हुआ, मुझे इसे जूम आउट करना पड़ता और मैं जूम इन करके इसको अगर देखता तो वो साइड पे निकल जाता कोड, ऐसे ही है, पहले ये चीज। और अगर इस कोड को मैं प्रिंट करूं तो ये पेज आ रहा है, यहां पे पेज खत्म हो रहा है, दूसरी चीज। और अगर इस कोड को मैं मार्कडाउन या किसी और कोड में, नोटबुक में कन्वर्ट करूंगा, दिस विल बी कट ऑफ, ठीक है। देन देयर आर मेनी अदर इश्यूज। इस वजह से जब भी प्रोग्रामर्स कोई कोडिंग करते हैं, आप यहां पे जब एंटर मारेंगे, दिस इज कॉल्ड इंडेंटेशंस, ठीक है। तो ये इंडेंटेशन जो होती है, बेसिकली आप ये समझ लें कि स्पेसेस, ये अगर थोड़ी सी आगे से स्टार्ट हो रही है, इसका मतलब है दिस लाइन कनेक्ट्स विद दिस वन, दिस लाइन इज द पार्ट ऑफ दिस बिगर लाइन, ठीक है। और इसी तरह कॉमे के बाद लगाऊंगा तो ऐसे होता है, यूजली आप एक कॉमे के बाद ये चीज लगाते हैं या जहां पे लॉजिक बन रही है, ठीक है, एंड देन एट द एंड भी आप ऐसे लगाते हैं। इसकी वजह क्या है, इसकी वजह ये है, अगर मैं इसके एंड पे एक और कॉलम ऐड करना चाहूंगा देन आई कैन डू दैट, और वो बहुत आसान है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पर एक और करता हूं नम टू, और इसको मैं लिख देता हूं से फॉर एग्जाम्पल सी के अंदर 2, 4, बल्कि मैं लिखता हूं 12, 14, 16, 18, 20, ठीक है। और यहां पे मुझे कॉमा लगाने की जरूरत नहीं बिकॉज दिस इज एंडिंग हियर, राइट। अब मैं इसको रन करता हूं, अब देखते हैं कि ये कैसे काम करता है, एंड यू विल सी द मैजिक। मैजिक किस तरह देखेंगे आप, देखिएगा ये इस चीज को मैं रन करूंगा और ये यहां पे किस तरीके से शो होती है, गौर कीजिएगा,
नाउ वी हैव एन अदर सेट ऑफ इन्वायरमेंट जहां पे डेटा फ्रेम्स आ रहे हैं, एंड डेटा फ्रेम विल ऑलवेज लुक लाइक दिस. वो डेटा के अंदर आएंगे, उनके साथ ये वाला एक साइन होगा, दिस वन. ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा जूम इन करता हूं, आपको और भी समझ आ जाएगी. अगर आप गौर करें, मैं दूसरे तरीके से जूम इन करता हूं. यहां पे अगर आप गौर करें तो आपको समझ आ रही होगी, ये डेटा फ्रेम आ गया हमारे पास. ठीक है, पांच ऑब्जर्वेशन है एंड फोर वेरिएबल्स है. अब आपको वेरिएबल की भी समझ आ गई होगी. फोर वेरिएबल्स मीन चार कॉलम्स, कॉलम्स आर कॉल्ड वेरिएबल्स. पांच ऑब्जर्वेशन मीन्स पांच रोज, रोज आर कॉल्ड ऑब्जर्वेशंस. देन यू हैव दिस साइन हियर, दिस इज शोइंग डेटा फ्रेम साइन. और ये जो है यहां पे क्लिक करने से आपको पता चल जाएगा कौन सा कॉलम क्या है. ठीक है, जैसे आपको ये पता चलता है कि कौन सा कॉलम क्या है, इसका मतलब है आपके लिए चीजें जो हैं वो और भी आसान हो रही है. राइट, यहां तक क्लियर है आपको? ठीक हो गया. अब अगर आप गौर करें तो इसमें जो डेटा आपने बनाया वो सेम वैसे नहीं नजर आ रहा. ऐसे ही ना, लेकिन मैं अगर इस पर क्लिक करता हूं तो क्या होता है? लेट्स सी. मैंने इस पर क्लिक किया, लेफ्ट साइड पे कुछ हुआ इस पे क्लिक करने से. क्या हुआ? ये मेरे पास चार के चार कॉलम्स डेटा फ्रेम इस तरीके से शो हो गया. ठीक है, यहां पे क्लिक करने से. एंड नाउ आई कैन लिटरली सी कि डेटा किस तरीके से नजर आ रहा है. एंड एक्चुअली ये डेटा टेबुलर फॉर्मेट में ही है, और हमने इसी वजह से इसे डेटा फ्रेम बोला है क्योंकि डेटा फ्रेम होते हैं टेबुलर फॉर्मेट में, रोज वर्सेस कॉलम्स करके. और यहां भी हमारे पास चार रोज है, चार कॉलम्स है, पांच ऑब्जर्वेशन है, ये हमारे पास हेड्स हैं. इसको एक क्लिक करेंगे तो आपके पास सामने ये सेपरेट भी ओपन हो जाएगा, समथिंग लाइक दिस. और आप यहां पे सर्च भी कर सकते हैं, जो एक्सेल में कमांड लगाते हैं बाकी काम करते हैं. आप यहां पे क्लिक करेंगे तो ये वापस वहीं पे हो जाएगा फैच. यहां पे क्लिक करते हैं तो यहां पे आ जाएगा साइड पे. फिल्टर करना है किसी भी एक कॉलम को, आप फिल्टर कर सकते हैं. मैं यहां पे कहता हूं कि सिर्फ ट्रू वाले मेरे पास लाओ. लें जनाब, सिर्फ ट्रू वाले आ गए, जैसे आप एक्सेल में करते हैं. यहां पे क्लिक करके आप कहते हैं कि फॉल्स वाले दो, ये फॉल्स वाले आ गए. मैं इसको यहां पे एम्बेड कर देता हूं. एंड दिस इज हाउ यू क्रिएट योर डेटा फ्रेम्स. और डेटा फ्रेम्स सिर्फ क्रिएट नहीं होते, इंपोर्ट भी होते हैं. उसको कैसे करना है वो आने वाले लेक्चर्स में आपको बताऊंगा. पहले आपको ये समझ आ जानी चाहिए कि डेटा फ्रेम होते क्या है. ठीक है, इसका मतलब जितना भी डेटा आप यूजुअली यूज करते हैं वो आपका डेटा फ्रेम ही होता है. राइट, यहां तक क्लियर हो गया ना बात? अच्छा जी, अब डेटा फ्रेम की आपको समझ आ गई. अगर इसको आपने यहीं से कमांड लाइन से व्यू करना हो तो दो तरीके हैं. पहला तरीका है कि आप df लिख दें, यानी कि ऑब्जेक्ट का नाम लिख दें और इसको रन करें, तो ये यहां पे नीचे आ जाएगा. लेट मी सी, ये आ गया. ठीक है, ये आपके पास डेटा आ गया. एंड देन यू हैव सम वार्निंग्स. वो वार्निंग्स क्या हैं? कि आपके पास कोई हैंडलर है, कोई चीजें प्रॉब्लम कर रही हैं, जिनको हम लेटर ऑन देखेंगे. ठीक है, अब दूसरी चीज क्या है, यहीं पे आप व्यू लिख के फंक्शन व्यू का लगाएं और इसके अंदर df लिख दें. मैं इसको रन करता हूं एंड द सेम थिंग इज हैपनिंग जो यहां पे क्लिक करने से हो रहा था. सो डेटा हमारे पास व्यू हो गया. ठीक है, सो डेटा फ्रेम हमारे पास इस तरीके से बन जाता है. अब मैट्रिक्स बनाते हैं. ठीक है, और इसके अलावा भी हम और भी काम कर सकते हैं, बट लेटर ऑन पहले हम डेटा की टाइप देख लेते हैं. हमारे पास जो मैट्रिक्स है, ठीक है, अब मैट्रिक्स को देखने के लिए मैं यहां पे लिखता हूं मैट्रिक्स इन आर, और पिछले वाले को मैं जरा कोलैप्स कर देता हूं. मैट्रिक्स को हम समझते हैं. अब समझिएगा जरा, मैट्रिक्स आर टू डायमेंशनल अरे, सेम वही चीज है. दैट कैन होल्ड न्यूमेरिक डेटा, करेक्टर डेटा और लॉजिकल डेटा. सेम वही चीज है, बट देयर इज अ डिफरेंस. दे आर सिमिलर टू वेक्टर्स बट कैन हैव रोज एंड कॉलम्स. ठीक है, वेक्टर्स की तरह ही होते हैं लेकिन रोज एंड कॉलम्स होती हैं, जैसे डेटा फ्रेम में होती हैं. इसके अलावा इसका जो फंक्शन है वो हम यूज करते हैं मैट्रिक्स की कमांड से. ठीक है, इस तरीके से हम यूज करते हैं. और हम अब मैट्रिक्स एक बना के देखते हैं एंड देन वी विल सी कि हमारे पास जो डिफरेंस है वो किस तरीके से आता है. सेम वही चीज है, अगर आप गौर करें यहां पे तो आपको अब समझ आएगी जो चीज मैंने पहले आपको समझाई थी डेटा फ्रेम और मैट्रिक्स में क्या फर्क है. यहां पे आपने मैट्रिक्स बनाने, मैट्रिक्स का फंक्शन यूज करके जो बिल्ट इन है. यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग एल्स रादर देन जस्ट यूजिंग दिस मैट्रिक्स का फंक्शन. मैट्रिक्स के फंक्शन में एक वेक्टर है जो है 1 2 3 4 5 6.
न्यूमेरिक वेक्टर है 6 वैल्यूज का, ऐसे ही है, बात समझिएगा। इन 6 वैल्यूज को आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है रोज और कॉलम्स में, दैट इज कॉल्ड क्रिएटिंग अ मैट्रिक्स। सेम डेटा उठा के रोज और कॉलम्स में करना है। ये 6 वैल्यूज है ना, आप कहते हैं 2 रोज बना दो, 3 कॉलम्स बना दो, सिंपल, 2-3 बार 6, समझ आई। अब अगर मैं इसी को आपको दिखाऊं रन करने के बाद, यू विल सी कि हमारे पास मैट्रिक्स कैसे आते हैं। मैं इसको रन करता हूं, ये हमारे पास मैट्रिक्स आ गया, ठीक है, और ये इस तरीके से मैट्रिक्स आ गया, 1 2 3, 3 वेक्टर्स बन गए इसके, 2 हमारे पास जो हैं वो रोज आ गए, ठीक है। सो 1 2 3 4 5 6, और यही तो होता है ना कॉलम्स के अंदर, कॉलम या मैट्रिक्स जो आपने पढ़े हुए हैं, याद है आपको मैट्रिक्स, डॉट प्रोडक्ट होती थी, फ्लाम प्रोडक्ट होती थी। मैं उस डिटेल में नहीं जा रहा, लेकिन अगर आप गूगल पे सर्च करें ना मैट्रिक्स इन मैथ, कुछ इस तरीके से नजर आते थे, आपको याद है 2x3 का, 3x3 का, समथिंग लाइक दैट। और अगर आपने इसको और भी डिटेल में पढ़ना है तो 0 to मैथ कोडेनिक्स, यहां पे मैंने मैथमेटिक्स की ना पूरी सीरीज डाली हुई है 0 to मैथ की, और इसके अंदर बड़ी डिटेल से मैंने ये सारा कुछ बताया हुआ है कि आप किस तरीके से इस पूरे के पूरे मैट्रिक्स अलजबरा, लीनियर अलजबरा, इनको देख सकते हैं, कौन कौन सी चीजें डेटा साइंस में जरूरी हैं। एंड ये 42 वीडियो की एक प्रॉपर प्लेलिस्ट है, इसके अंदर आपको सारी चीजें समझ आ जाएंगी बड़ी ईजिली, ठीक है, इफ यू वॉन्ट टू लर्न मोर अबाउट मैट्रिसेस रादर देन लर्निंग फ्रॉम देयर। दूसरी चीज ये है कि आप खुद से प्रैक्टिस करें। अब यहां पे मैंने मैट्रिक्स बनाया जो मेरे पास आ गया था, आई कैन डू द सेम थिंग मैट्रिक्स को शो करने के लिए, मैं यहां पे लिखता हूं मैट और सॉरी गिटहब को पायलट का ना कभी कभी ये भी मसला होता है, मैं इसको थोड़ा सा बंद कर लेता हूं फिलहाल के लिए, बल्कि बाद में करते हैं। एंड ये आ गया मैट, मैं इसको रन करता हूं और ये नीचे इसका आंसर आ जाएगा, व्यू लिख के करूंगा तो ये ऊपर आ जाएगा, व्यू मैट, और ये हमारे पास यहां पे आंसर आ जाएगा, ठीक है। सो सेम वही चीज है जो हमने डेटा फ्रेम के साथ की थी। डेटा फ्रेम और इसमें फर्क ये है कि डेटा फ्रेम में आप कोई भी डेटा ले सकते हैं, मैट्रिक्स में आपने सिर्फ और सिर्फ एक किस्म का डेटा लेके आना होता है। यहां तक समझ आ गई। अब हमारे पास हैं लिस्ट्स एंड अरेज। अरेज के बारे में मैंने पहले भी आपको बता दिया, अब दोबारा से मैं आपको और समझाता हूं और इनको हम और भी अच्छे तरीके से देखते हैं, फिर हम लिस्ट्स की तरफ मूव करेंगे। अरे की मैंने आपको एग्जांपल दी थी, मिसी अरेज इन आर। अब गौर कीजिएगा इसके अंदर, अरेज आर सिमिलर टू मैट्रिसेस बट कैन हैव मोर देन 2 डायमेंशंस, ठीक है, 2 से भी ज्यादा डायमेंशन हो सकती हैं इसके अंदर, एरेज के अंदर, एक ही नहीं, 2 ही नहीं, 2 से भी ज्यादा। और ये वही अरे है जो वेक्टर्स के लिए भी हमने यूज की थी, मैट्रिक्स के लिए भी यूज की थी और हमने डेटा फ्रेम्स के लिए भी यूज की थी। बट दिस इज सिमिलर टू मैट्रिक्स बट इन अनदर वे। अरेज आर क्रिएटेड यूजिंग द एरे फंक्शन, और एरे फंक्शन कैसे यूज करना है वो भी हम देखेंगे। और इसके लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है किसी भी अरे को क्रिएट करने की, आप अरे बना के, यहां पर गौर कीजिएगा, अरे बनाते हैं, एरे को 1 2 3 4 5 6 7 8 आपने लिख दिया। अब ये कितने टोटल हैं जी हमारे पास, 8 वैल्यूज हैं। डायमेंशन इसके हमने क्या दिए, 2x2x2, ठीक है, समझ आ रही बात की किस तरीके से 2x2x2 8 होते हैं, 2 2s are 4, 4 2s are 8। अब हम इस अरे को बनाने के बाद हम इसको देख भी सकते हैं। अब मैं क्या करता हूं, इनको रन करता हूं, इन दोनों को, ये रन करने के बाद दिस इज हाउ योर अरेज लुक लाइक, पहली अरे एंड दूसरी अरे, ठीक है। तो अगर आप चेक करें 2x2 एंड देन उसके आगे 2x2, सो आपके पास 2 डायमेंशन की 2 अरे बन गई है, ठीक है। दिस इज हाउ यू क्रिएट एन अरे। और अभी के लिए मेरे ख्याल से अरेज को इतना ही समझना काफी है, बिकॉज लेटर ऑन यू विल अंडरस्टैंड इन डिटेल्स। और यहीं पे मैं आपको मतलब प्रोग्रामिंग से दूर नहीं करना चाहता, इस वजह से अरे को मैं इतना ही रखूंगा। देन वी हैव लिस्ट्स इन आर। लिस्ट्स क्या होती हैं, ये वही चीज है जो हमने पहले देखी है। यहां पे ये देखें, वन डायमेंशन अरे, वन डायमेंशन अरे, वन डायमेंशन अरे, देन यू हैव एरेज 2D, 3D arrays, and then you have again vectors, and then you have data frames. अब list क्या होती है, इनको पढ़ने के लिए हमें थोड़ा सा और डिटेल में जाना पड़ेगा।
लिस्ट आर बेसिकली ऑब्जेक्ट्स, आर के ऑब्जेक्ट्स हैं विच कंटेन एलिमेंट्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स, जैसे नंबर्स हो सकते हैं, स्ट्रिंग्स हो सकती हैं, वेक्टर्स, कोई भी इनके अंदर चीज हो सकती है लिस्ट के अंदर, नंबर्स, अरेज, वेक्टर्स, स्ट्रिंग्स, कुछ भी हो सकता है, ये ऑब्जेक्ट्स होते हैं। ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, जो हमने स्टार्ट में नहीं बनाया था एक्स के अंदर 2+3, वो ऑब्जेक्ट्स जो आपके राइट साइड पे भी आर के अंदर आ रहे हैं, ये वाले ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, इन्हीं ऑब्जेक्ट्स के अंदर कुछ भी अगर रखेंगे तो वो बेसिकली लिस्ट कहलाएंगे। अब इसकी एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं, देन इट विल बी मच इजियर फॉर यू। मैं इसको एक और एंटर लगा के यहां पे हैशटैग लगा देता हूं ताकि आपको समझ आ जाए। अब अ लिस्ट कैन ऑल्सो कंटेन अ मैट्रिक्स और अ फंक्शन एज इट्स एलिमेंट्स। देर आर मेनी थिंग्स यू कैन डू इन लिस्ट। लिस्ट इज क्रिएटेड बाय अ लिस्ट फंक्शन, और हम यहां पे लिस्ट को क्रिएट करते हैं समथिंग लाइक दिस, एंड नाउ यू कैन सी द डिफरेंस। अब हमारे पास ये जो चीज है, जहां पे डेटा फ्रेम लिखा था वहां पे लिस्ट लिख दिया, तो ये एक लिस्ट हो गई। इस लिस्ट के ऑब्जेक्ट के अंदर सारा कुछ यहां पे छुपा हुआ है। आई विल जस्ट रन दिस एंड देन यू विल सी द डिफरेंस। मैं इसको रन करता हूं यहां पे ऐसे ला के, ये आ गई हमारे पास लिस्ट, ठीक है। और अगर आप गौर करें ये राइट साइड के ऊपर, थोड़ा सा जूम आउट करता हूं, लिस्ट ऑफ थ्री, और इसके अंदर मैट्रिक्स है, लिस्ट के अंदर मैट्रिक्स है अगर आप गौर करें, ठीक है, 1/2 एंड 1/3 का। और अगर मैं इस पर क्लिक करूं, दिस विल लुक लाइक दिस, नो सॉरी दिस इज डिफरेंट, दिस मैट्रिक्स वाज द ओल्ड वन, सॉरी फॉर दैट। ये लिस्ट है, इस पर मैं क्लिक करता हूं, और इस लिस्ट के अंदर हमारे पास तीन वैक्टर्स हैं, ये वाले लॉजिकल, न्यूमेरिक एंड करेक्टर। और यहां पे अगर आप चेक करें, इस लिस्ट को आप डेटा फ्रेम की तरह नहीं देख रहे, बल्कि एक ऑब्जेक्ट की तरह देख रहे हैं, लाइक दिस, ठीक है। जैसे आप इसको व्यू करेंगे, इट विल लुक बिट डिफरेंट देन डेटा फ्रेम। यहां पे नंबर की वैल्यूज है, उसके अंदर कितनी वैल्यूज और उसके अंदर कितनी वैल्यूज, यानी कि ये एक स्टेप से दूसरे स्टेप पे भी मूव कर सकते हैं और तीसरे पे भी। आप डिग डीप कर सकते हैं, आप एक ही लिस्ट के अंदर मल्टीपल डेटा फ्रेम्स भी स्टोर कर सकते हैं, कहने का मकसद ये है, ठीक है, मल्टीपल मैट्रिक्स और मल्टीपल डेटा सेट्स। तो लेटर ऑन जब लिस्ट्स का हम यूज करेंगे, देन आई विल शो यू हाउ टू वर्क विद दिस। आपके लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा सेट है, दैट इज डेटा फ्रेम, एंड इन सम केसेस यू विल हैव मैट्रिक्स, दैट्स इट फॉर बेसिक आर प्रोग्रामिंग यूज। ये दोनों डेटाबेस आपके पास ज्यादातर यूज होते हैं, डेटा फ्रेम, मैट्रिक्स, वेक्टर, ऑफकोर्स वेक्टर से मिलकर ही डेटा फ्रेम बनता है, सो वेक्टर तो है ही। तो आप ये समझ लें कि तीन डेटा फ्रेम आपके पास जो हैं वो बहुत ज्यादा डेटा स्ट्रक्चर जो हैं वो यूज होंगी। अब अगर आपको समझ आ गई इन सारी चीज़ों की, सो दैट्स गुड। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये इस तरह के डेटा सेट्स जो हैं आपके पास ऑलरेडी मौजूद होते हैं इनसाइड आर, और उनको भी हम देखेंगे। लेकिन यहाँ तक अगर आपको क्लियर हो गया है, सो दैट्स गुड। नहीं क्लियर हुआ, यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन एंड देन आई विल ट्राई टू आंसर दोस। और अगर आप गूगल इमेजेस में जाके देखेंगे, यू विल सी अ लॉट ऑफ डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ द सेम थिंग हैपनिंग हियर, एंड देयर आर मेनी पीपल जिन्होंने प्रॉपर वे में आर की वर्कशॉप्स भी करवाई हुई हैं, एंड देन दे विल शो यू कि वेक्टर क्या होता है, लिस्ट क्या होती है और बाकी चीज़ें क्या होती हैं। सो इफ यू गो थ्रू दीज काइंड ऑफ इमेजेस इन गूगल इमेजेस, यू विल फाइंड अ लॉट। ठीक हो गया जी। सो होपफुली आपको समझ आ गई होगी डेटा स्ट्रक्चर आर के अंदर कौन कौन सी यूज होती है, और डेटा स्ट्रक्चर क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। डेटा की टाइप्स भी आपने देखी इस लेक्चर के अंदर, और डेटा की टाइप्स के साथ साथ आपने ये भी देखा कि आर के अंदर डेटा के डिफरेंट स्ट्रक्चर से डेटा की टाइप्स जो है हमारे पास एरेज, वेक्टर्स, मैट्रिक्स या आपके पास जो डेटा फ्रेम है कैसे बनता है। ठीक हो गया, यहाँ तक क्लियर है, देन राइट डाउन इन द कमेंट और चैट।